पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। पानी से सस्ता तेल हो चला है, लेकिन ये राहत जनता के लिए नहीं, सिर्फ सरकार के लिए है। मोदी सरकार ने 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण किया। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल, जो अब $32 तक पहुंच चुकी है। लेकिन पेट्रोल डीजल उतना सस्ता हुआ नहीं, या कहें सरकार ने आयात शुल्क लगातार बढ़ाकर अपनी तिजोरी तो भरी, लेकिन ग्राहकों को फायदा नहीं दिया। यानी कच्चे तेल की घटती कीमतों का लाभ नहीं मिला जनता को, और खुदरा महंगाई दर बढ़ती जा रही है।